कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के संरक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आज तक नहीं आई और वो अपने पद पर बने हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर लिखा, झूठी माफी और कानून वापस लेने जैसे चुनावी कदम भी मोदी जी की किसान विरोधी सोच को ढक नहीं सकते। वो रक्षक के पद पर हैं लेकिन भक्षक के साथ खड़े हैं। लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही किसानों को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी हैं, लेकिन पीएम मोदी के संरक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्र टेनी पर जांच की आज तक नहीं आई और वो अपने पद पर बने हुए हैं। गुजरात के सुरेंद्र नगर के लिंबड़ी में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। सरकार के अभियान के मुताबिक 15 से 18 साल तक के बच्चों के टीकाकरण का काम तेज कर दिया गया है। लिंबड़ी शहर कई स्कूलों में बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया है। आपको एक जानकारी देता हूँ कि आज जो सरकार से गाइडलाइन के अनुसार कोरोना के लिए रसीकरण का अभियान शुरू किया है, इसमें हमारे सभी छात्रों ने अच्छी तरह से हिस्सा लिया है। 15 से 18 साल के बीच में जो छात्रों ने रसी ली है उसके बारे में उसको समझाना जरूरी था। जो मन में वहम है, जो कोई गलत बात है, वो गलत बात और वहम दूर करने के लिए हमने पूरे स्टाफ परिवार ने अच्छी तरह से प्रार्थना सभा में उसको समझाया, फिर और अपने माता पिता की अनुमति के साथ आज इस रसीकरण में हिस्सा लिया है। आज रोज 3 जनवरी 2022 से केंद्र सरकार व राज्य सरकार के आदेश अनुसार 15 से 18 साल के आयु के जो भी बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन प्रारंभ किया गया है। लिंबड़ी तालुका की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल आज 31 स्कूल में स्कूल व कॉलेज और वहाँ पे 39 टीम्स डिप्लॉय की गई हैं वैक्सीनेशन के लिए और आरोग्य के अंदाजित 150 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। जौनपुर में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 साल के किशोरों को टीका लगाने की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पहले दिन लगभग 7,000 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे यूपी में आज 3,00,000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सर्वप्रथम आज मैं अपने नेतृत्व में भारत के नेतृत्व श्रीमान मोदी जी को बधाई दे सकता हूँ। इनके नेतृत्व में आज ये पहल की गई है कि अपने भारत के वो बच्चे जो 15 साल से 18 साल के बीच आज वो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। जैसा मैं देखा कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। कन्नौज के मशहूर इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन को आयकर विभाग ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि आयकर विभाग की टीम सपा MLC को अपने साथ कन्नौज से कानपुर ले गई। इसके साथ ही टीम अपने साथ कई बैग में दस्तावेज भी ले जाते हुए दिखाई दी। ऐसे में सपा MLC पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के घर पर पिछले 72 घंटों से भी ज्यादा समय से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही थी। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए भारत सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू करवा दिया है। इसी कड़ी में ललितपुर में 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया है। इस वैक्सीनेशन में इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं का प्राथमिकता से वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में वैसे ही 1,40,000 बच्चों की जनसंख्या है और इसके पहले 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीन किया जा चुका है। इसमें जो हम लोगों का टारगेटेड पॉपुलेशन है वो लगभग 1,40,000 है और इसमें हम लोगों ने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि पहले इंटर कॉलेज के बच्चों को जो 18 ईयर्स होने वाले हैं पहले उनको लगाएंगे, 12th के बच्चों को, उसके बाद 11th के बच्चों को और फिर 10th के बच्चे जो 15 ईयर्स के होते हैं उनको लगाएंगे। और सारे जो गार्जियन हैं उनसे भी मैं अपील करूँगा कि वो लोग बूथों पे आएँ, जो सामान्य बूथ हैं वहाँ भी ये लग रहा है बच्चों का टीकाकरण हो रहा है और जो स्कूल कॉलेजेस हैं हमारे वहाँ भी हम स्पेशल टीम भेज रहे हैं। रायबरेली में ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर SK रावत ने जिला अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया। इसी के साथ ही CMS डॉक्टर और स्टाफ के साथ भी बैठक कर सुरक्षा और सावधानी बरतने की रणनीतियों पर चर्चा की।
मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने लाखों रुपए की नकली दवाई के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बाराबंकी में मरीज नहीं सवारियों को एम्बुलेंस में ढोया जा रहा है। जिस एम्बुलेंस को टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने शाहपुर टोल प्लाजा पर पकड़ लिया, दरअसल ये एम्बुलेंस लखनऊ से दूसरे जिले में जा रही थी और जब ये एम्बुलेंस बाराबंकी गोंडा बहराइच रोड पर स्थित शाहपुर टोल प्लाजा से गुजरी और बिना टोल टैक्स दिए निकलने लगी तो कर्मचारियों ने विरोध किया तो एम्बुलेंस चालक अपनी अकड़ दिखाने लगा। वहीं सवारियों से भरी एम्बुलेंस का लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया तो एम्बुलेंस का ड्राइवर सवारियों को लेकर भाग गया।